साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम एक इनिशिएटिव जो 5 साल पहले शुरू हुआ था, आज ये इनिशिएटिव किसी परिचय का मोहताज इसलिए नहीं है क्योंकि 24 बच्चे अभी तक इनके माध्यम से सिलेक्ट हो चुके हैं। क्या प्रोग्राम था ये, 2 दिन में कैसे बच्चों को गाइड किया गया? ये जो दिशा बोध शिविर है, इसमें मूलतः जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आए थे और इनको ट्रेन करने के लिए, गाइड और मेंटर करने के लिए वो लोग आए थे जो इस साल यूपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं। हमारा जो ये सरदार पटेल स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम है, इस वर्ष उससे 8 बच्चों का यूपीएससी सिविल सर्विसेज में चयन हुआ है, जिसमें से कई बच्चों को आईएएस भी मिल जाएगा, उनके रैंक्स ऐसे हैं। तो कुल मिलाकर 8 इस वर्ष और 5 वर्षों में अब तक 24 छात्र इसमें से चयनित हो चुके हैं यूपीएससी में। और हमारा उद्देश्य ये है कि जो डेप्राइव्ड बच्चे हैं या जिनको गाइडेंस का अभाव रहता है, मेहनत तो कर सकते हैं लेकिन कई बार उनको आर्थिक अभाव रहता है या जानकारी नहीं होती है या उनको कोई मेंटर करने वाला नहीं होता है, तो उन बच्चों को हम यहाँ पर जो भी इस पूरी जर्नी में उन्हें जरूरत होती है यूपीएससी की जर्नी में, चाहे वो मेंटरिंग गाइडेंस हो या फिर उनको पैसे का सहयोग हो, वो सब हम यहाँ पर उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है, यहाँ बच्चा कोई आना चाहे तो कैसे आएगा, कैसे आपसे संपर्क करेगा? यहाँ पर बच्चों का एक तो हम ये देखते हैं कि वो मेधावी हो, उसमें यूपीएससी के लिए कमिटमेंट हो, क्योंकि ये एग्जाम एक्चुअली कमिटमेंट डिजायर करता है। और अगर वो बच्चा कमिटेड है, और हम लोग ये भी देख लेते हैं कि अगर उसे आर्थिक सहयोग चाहिए तो उसके लिए एक प्री रिक्विजिट है कि उसका प्रीलिम्स एक कभी ना कभी क्वालिफाई उसने किया हो। और गाइडेंस और मेंटरिंग के लिए तो कोई भी बच्चा है जो शुरू भी करना चाहता है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि उसने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया हो। अगर वो इस एग्जाम के लिए सीरियस है तो हम उसे अपने प्रोग्राम में सम्मिलित करते हैं और थ्रू आउट उसकी जर्नी 2 से 3 साल जितना उसको जर्नी में लगता है, हम उस पूरा समय उसकी हैंड होल्डिंग करके रखते हैं और उसे सारा सहयोग प्रदान करते हैं। बड़ा लार्ज ग्रुप भी है हमारा मेंटर्स का, जिसमें तमाम जो यूपीएससी क्वालिफाई कर चुके जो लोग हैं वो इससे जुड़े हुए हैं और वही स्टूडेंट्स को गाइड और मेंटर करते हैं। 5 साल हो गए, कैसा रिस्पांस आपको लग रहा है? देखिए, इस वर्ष जो 8 छात्र, हमारा जो ये इनिशिएटिव है, फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन के 8 छात्र चयनित हुए हैं इस वर्ष, जो कि आप कह सकते हैं रफली 1% है, पूरे सिलेक्शन का 1% है। तो बड़े से बड़े जो कोचिंग संस्थान हैं, जो दिल्ली में चलने वाले या अन्य बड़े शहरों में चलने वाले कोचिंग संस्थान हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना रिजल्ट किसी एक संस्थान ने प्रोड्यूस किया होगा। वो सिर्फ इसी वजह से प्रोड्यूस हो पाया क्योंकि इसमें गाइड और मेंटर वो लोग हैं जो ये एग्जाम हाल ही में क्वालिफाई किए हैं। जैसे हमने अभी जो आज ये दिशाबोध कार्यक्रम का जो समापन हुआ है, इस दिशाबोध में 30 बच्चे आए थे जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं और जो प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं यूपीएससी के, और इनको गाइड करने के लिए वो लोग आए जिन्होंने इस वर्ष यूपीएससी क्वालिफाई किया। 4 लोग जो यूपीएससी क्वालिफाई किया हमारे फाउंडेशन से, वो लोग उन्हें गाइड करने के लिए आए। तो ये इनिशिएटिव इसीलिए इतना स्ट्रांग है, इतना रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि वो सिखा रहे हैं जो कि ऑलरेडी इस एग्जाम की जर्नी में सक्सेसफुल हो चुके हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, वास्तव में समाज में लोग कहते हैं कि उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, आप उनको संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। 5 सालों में आपको क्या महसूस हुआ कि संसाधन है, लेने वाले लोग नहीं है? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारी कोशिश ये रहती है कि जो प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके पास तो सभी प्रकार के संसाधन हैं, उनके पास अच्छे से अच्छे कोचिंग के संसाधन हैं, उनके पास उनके रिश्तेदार या मित्रों में कोई ना कोई यूपीएससी क्वालिफाई भी किया होता है, तो उनके पास ना तो गाइडेंस और ना तो आर्थिक कोई भी अभाव रहता नहीं है। लेकिन जो डिप्राइव्ड सेक्शन के बच्चे हैं, जो गांव में रह रहे हैं, हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़े हैं, जिनके रिश्तेदारों में आज तक कोई भी यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किया, दूर दराज के मित्रों में भी किसी ने नहीं किया, तो हमने ये पाया कि कई बार लोगों में हमारे पास रिसोर्सेज की कमी तो कभी भी नहीं आई। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे फाउंडेशन को डोनेशंस देते हैं कि आप आगे बच्चों को बढ़ाने के लिए जो रिसोर्सेज आपको जरूरत हो वो आप हमसे लीजिए, आप जो इनिशिएटिव चला रहे हैं वो बहुत पायस है, बहुत पवित्र है और बहुत ही एक स्ट्रांग मीडियम है, क्योंकि एजुकेशन ही एक माध्यम है जिससे कोई डिप्राइव्ड व्यक्ति प्रिविलेज्ड क्लास को या कुछ दे सकने वाली सोच को लेकर आगे बढ़ सकता है। और हमारा जो ये फाउंडेशन है, इसका मोटो भी है गिविंग बैक टू सोसाइटी, पेइंग बैक टू सोसाइटी।
तो हमारे यहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं, जो इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, आज आपने देखा होगा ऊपर जो बच्चे निकले हुए हैं, क्वालिफाई किए हुए हैं, वो सब यही कह रहे थे कि हाँ अभी तक हमने इस फाउंडेशन से सहयोग लिया, अब हम कमिटेड हैं कि हम इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाएंगे, हम मेंटर करेंगे। जो डोनर्स हैं, जो फाउंडेशन में डोनेशंस दे रहे हैं, वो भी यही आपको कमिटमेंट आपको दिखा होगा कि उन्होंने भी यही कहा कि नहीं, हम जो सहयोग अभी तक कर रहे थे वो सहयोग हम निरंतर बनाए रखेंगे, क्योंकि जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है फाउंडेशन वो बहुत ही कमेंडेबल है। तो ना तो नीरज जी संसाधनों की कमी हुई है और ना ही हमारे पास कमिटेड लोगों की कमी हुई है, तो मुझे लगता है कि बस ये दोनों को मैच करने की ही जरूरत थी, वो हमने मैच करने की कोशिश की है। जब सिलेक्शन होता है उसके बाद सम्मान समारोह होते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बात होती है, समाज की बात होती है, पे बैक टू सोसाइटी की बात होती है। आपने 24 नंबर बताए, इतने 24 लोगों में रिस्पॉन्स कैसा है कि वो 24 के 24 इस बात को लेकर कमिटेड है कि हमें पे बैक टू सोसाइटी करना है? डेफिनेटली है। देखिए, ये जो हमने एक तो हमें सम्मान वाला थ्योरी में हम लोग कम बिलीव करते हैं, हम हमारी जर्नी में वो एक पार्टनर है जो सिलेक्टेड हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमें उन्हें सम्मान दे करके और उन्हें हमें कहीं ऐसे स्थान पर सुशोभित कर देना है कि वो अपने आप को समाज से कटा हुआ महसूस करने लगे। तो हमने अभी ये जो 2 दिन का दिशा बोध कार्यक्रम किया, हमने इसमें अपने चयनित छात्रों को बुलाया ताकि हम उन्हें एक तरीके का फेलिसिटेट भी कर सकें, और हमने इसमें 30 अंडर ग्रेजुएट छात्रों को भी बुलाया जो एस्पायर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, और यही जो छात्र आए थे सिलेक्टेड छात्र, ये उनको गाइड कर रहे थे। तो हमने, और उसमें से आप देखिए जो हमारा एक कैंडिडेट है जो सिलेक्ट हुए, वो ऑल द वे जयपुर से चलकर आए और उनकी ट्रेन भी मिस हो गई बीच में किसान आंदोलन के कारण, उनका डाइवर्जन भी ट्रेन का रहा, लेकिन फिर भी वो कमिटेड है कि वो 24 घंटे जर्नी करके यहाँ तक पहुंचे। तो कमिटमेंट की कोई कमी नहीं है, और यही कारण है कि हमारा ये जो इनिशिएटिव है वो दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पहले तो हम उत्तर प्रदेश पर ही ज्यादा फोकस कर रहे थे, बट अब हमारे पास बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि पिछले वर्ष हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर से भी एक स्टूडेंट था। तो हमारा फाउंडेशन अब पैन इंडिया बढ़ रहा है और अक्रॉस दी सोसाइटी हर एक सेगमेंट तक पहुंच बना रहा है। तो कमिटमेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है, और हमारे जितने भी छात्र हैं वो सब पेइंग बैक टू सोसाइटी के लिए कमिटेड हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव है, पूरी डिटेल कि जब आपके आपके बच्चे को आना हो यहाँ पर कैसे आएंगे, मैं इस पूरे वीडियो को देखिएगा, उसमें मैं डिटेल भी बता दूंगा, फोन नंबर भी बता दूंगा, मेल आईडी भी बता दूंगा, एड्रेस सब कुछ बता दूंगा। जरूरत है तो इसको माउथ पब्लिसिटी करने की, इस बेहद अच्छे प्रयोग को लोगों के बीच में ले जाने की, ताकि ज्यादा से ज्यादा कमजोर वर्ग के बच्चे यहां आ सकें, लाभ ले सकें और समाज को पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से सहयोग कर सके। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है वो आप